और आज की वीडियो की शुरुआत दोस्तों मैं ये फाइकस की एक स्टेम से कर रही हूँ। फ्रेंड, फाइकस का ट्री बहुत ही कॉस्टली आता है और मैं कहूँगी कि फाइकस ही नहीं, मोस्टली सारे ही ट्री कॉस्टली आते हैं। बट थोड़ी सी भी नॉलेज हमारे गार्डन को या हमारे गार्डनिंग स्किल्स को बहुत ही अच्छा कर सकती है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप ये देख रहे हैं फाइकस की एक स्टेम, जो कि बहुत ही इसकी एक ऑयली शाइनी सी लीफ होती है और ये बहुत ही अच्छा एयर प्यूरीफायर इंडोर आउटडोर प्लांट होता है। आपने देखा होगा ये काफ़ी सारे होटल्स में या बाहर रोड पर हाईवेज पर लगा होता है। तो आइए इसकी एक बहुत ही प्यारी सी जानकारी मैं आपको देती हूँ। फ्रेंड, फाइकस का ट्री मार्केट में आपको उसकी ग्रोथ के अकॉर्डिंग प्राइस से बिल मिल जाएगा, लेकिन हम यहाँ ग्रोथ करेंगे इसकी, इसको ग्रो करेंगे इसकी सिंगल स्टेम से। और स्टेम के साथ साथ ये सिंगल लीफ से भी ग्रो हो जाता है, बट लीफ से मैंने की नहीं है, मैंने ट्राई किया है। अगर वो ग्रो करेगा तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊँगी, बट मैंने स्टेम की लगाई थी जिसका मुझे एक ही महीने में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिला है और ये बहुत ही अच्छा है। देखिए, ये तो एक पतली सी स्टेम है, लेकिन आप थोड़ी हाफ कुछ इस तरह से ये देखिए, ये देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो है ये फाइकस की स्टेम्स हैं और इनको मैंने एक महीने पहले लगाया था। ये स्प्राउट हो चुकी हैं और रेनी सीज़न स्टार्ट होने से पहले लगाया था। अब तो रेनी सीज़न काफ़ी चल रहा है फ्रेंड्स, तो इसकी लीव्स बहुत ही सॉफ्ट हैं। एक देखिए टूट भी गई मेरे से अभी, ये क्या हो गया, ये एक टूट गई है। लेकिन आप इसको सिंपली इसकी एक मोटी सी स्टेम लेकर उसमें नीचे एक कट लगाकर, जो कटिंग का कट होता है, मैंने कोई फर्टिलाइज़र या कोई भी कंपोस्ट इसमें कुछ ऐड नहीं किया है। ये सिंपली अपने आप में इतना खूबसूरत प्लांट है, इसकी लीव्स इतनी शाइन करती हैं, ऐसा लगता है कि इसे ऑयल से पॉलिशिंग की गई हो, लेकिन नहीं, ये बहुत ही हेल्दी प्लांट और एवरग्रीन प्लांट है। मेरे गार्डन में ये 4 या 5 लगे हुए हैं, जैसे कि आप ये देखिए फ्रेंड्स, ये फाइकस का ही ट्री है और इस पे नीम क्लोई चढ़ी हुई है, एक ही लगा हुआ है और ये है। और मैंने कुछ नहीं, इसकी इतनी मोटी स्टेम, ये जो है इतनी मोटी स्टेम, इसको कट कर कर ये साइड से सारी लीव्स हटा कर इसको लगाया तो इसकी ग्रोथ हो गई। बेसिकली मैं उनको इंडोर बनाना चाहती हूँ, तो ये मैंने इंडोर के लिए इसको ग्रो किया है। और आप भी ग्रो करिए इसी तरह से, थोड़े से अपने पैसे बचाइए। और बहुत सारे प्लांट्स हैं फ्रेंड्स जो स्टेम के थ्रू लग जाते हैं, उनके लिए ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से लेकर आएं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन की या नॉलेज की ज़रूरत होती है। आप YouTube पर सर्च कर सकते हैं, काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस हैं जो स्टेम से कटिंग से प्लांटिंग कराना सिखाते हैं और दिखाते हैं उसमें वो कौन कौन से प्लांट्स हैं। लेकिन मोस्टली ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, जो हार्डी प्लांट्स होते हैं उनकी मोटी स्टेम ही ग्रोथ कर जाती है। मैंने अभी बोगनवेलिया की भी स्टेम लगाई हुई है फ्रेंड्स, तो वो भी मैं आपको दिखाई देती हूँ। ये देखिए, जैसे कि ये मेरी वाइट बोगनवेलिया है, इसमें ये अभी मैंने सिर्फ इसकी पौध के लिए इसे इस पॉट में लगाया है। मैं इसकी ग्रोथ दिखाती हूँ आपको, ये देखिए ये ग्रोथ कर रही है, वो दूसरी वाली भी। ये दोस्तों ये पिंक है और ये वाइट है, तो ये दोनों मैंने लगाए हैं स्टेम से ही। और काफ़ी सारे प्लांट्स हैं जो मैंने स्टेम से लगाए हैं, मुझे कहीं भी दिख जाती है तो मैं उसकी एक स्टैम्प तोड़ लेती हूँ और अपने गार्डन में लगा देती हूँ, वो मल्टीप्लाई भी हो जाते हैं। ये तो मेरे गार्डन का ही है, बट बाकी के कुछ जो मेरे पास नहीं है
मैं उनको बाहर से लाकर उनकी स्टैंप लगाती हूँ। और आशा करती हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है प्लांट के बारे में, वो आप लोगों को अच्छी लगी होगी, आप भी उसे ट्राई करेंगे। तो अब मेरा जाने का वक्त आ गया है फ्रेंड्स। मैं इसी प्यारी सी फाइकस की लीव्स के साथ आपको बाय बाय कहती हूँ, और आशा करती हूँ कि आप भी इसी तरह से इसकी स्टैम्प को लगाकर देखेंगे नए प्लांट के लिए। थैंक यू।